शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर पर मनाया गया शादी सम्मान समारोह कार्यक्रम। पीलीभीत जनपद के पूरनपुर नगर की पंकज कॉलोनी गली नंबर 11 में संचालित शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर पर शादी सम्मान समारोह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कई मुख्य अतिथियों ने पहुंचकर छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। संस्थान के छात्र समय पर अपनी प्रतिभा के सम्मान प्राप्त करते रहते हैं। बता दें चले कि कोचिंग सेंटर के संचालक प्रेम सिंह सभी छात्र छात्राओं की प्रतिमाह सभी विषयों के साथ साथ जीके प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं, जिसमें अच्छे नंबर लाने पर सभी छात्र छात्राओं को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। पीलीभीत से जिला संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद बनिए। आप किसी भी प्रश्न का क्या होता है कि शिक्षित व्यक्ति तो बड़ा गंभीर होता है, जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। जब चीज़ों को आप सुनेंगे, अब जैसे क्या किया आप, कुछ लोग क्या करते हैं ना बच्चों, जैसे इस बात का लिंक जोड़िए कि किसी किसी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो गलतियाँ नहीं करनी है। पढ़ा प्रश्न लगता है कि अरे हमें इसका उत्तर आता है, लेकिन पूरी बात क्या थी, जब घर पे आकर पेपर चेक करते थे अरे कहना तो कुछ था, टिक कुछ लगाया है, अब व्यक्ति सामने वाला क्या कह रहा था आपने सुना ही नहीं। और जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे उसका नचोड़ मिलेगा नहीं, वो बात क्या थी, उसका आशय क्या था। मान लीजिए कोई आपके विषय में कुछ कह रहा है तो उस बात का शीर्षक क्या निकला, कंक्लूजन, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अधूरी बात सुनी, तो अधूरी मैटर का आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना लें, उससे कोई फायदा नहीं। तो जब आप शिक्षित होंगे, संस्कारयुक्त होंगे, तब आप जहाँ भी जाएंगे आपकी एक अलग ही प्रतिभा निकल के आएगी, आप एक अलग ही छाप छोड़ेंगे। मां एक कहानी याद आ रही गुरु नानक की, गुरु जी थे अपने शिष्यों के, माता पिता अपेक्षा करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा एक शिक्षक अपने छात्र से अपेक्षा करता है कि बच्चे हमारा आगे बढ़े और असफल न हो, हमारे शिक्षा संस्थान का नाम रोशन करे, आगे बढ़े, अच्छे विद्यालय में गिनती आ जाए, अच्छे संस्थान में इसकी गिनती हो, तो सभी बच्चे ये मन लगा करके पढ़ें और गुरु का सम्मान। घर से चलते हैं तो सबसे पहले माता पिता संस्कार देते हैं, हम हर एक के माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारा आगे बढ़े। गरीब के बच्चे आगे पढ़ते हुए अच्छे पदों पर जाते देखें, क्योंकि उसका एक उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास क्या है, अगर गरीब का बच्चा है हम हैं, हम भी वहीं से आए जहाँ से आए, क्यों हमारा एक उद्देश्य है कि हमें आगे बढ़ना है। ये माता पिता की कोई प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, तो उसका एक बात आ जाता है कि नौकरी नहीं लगेगी तो हम बिजनेस कर लेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे का एक ही उद्देश्य होता है कि आगे बढ़े, क्योंकि उसका शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा सफलता की, शिक्षा है तो आपको सब कुछ मिलेगा।